बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किन्नरा हमारे आखिरी एक्सपर्ट है निफ्टी पर राय देने के लिए। पुनीत, बाकी चार एक्सपर्ट से हमने बात की, चारों तेजी के मूड में, आप एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर शॉर्ट करेंगे या फिर सबके साथ खरीदारी? अनिल जी, निफ्टी सपोर्ट ने ऑल टाइम हाई का टेस्ट होने के बाद एक करेक्शन दिखाई है। ऑल टाइम हाई का टेस्ट होने के बाद जब भी करेक्शन देखने को मिलती है, अधिकतर वो इंटरमीडिएट नेचर की होती है या फिर डीपर होती है। दूसरी बात यह कि 6305 निफ्टी सपोर्ट लेवल पर निफ्टी सपोर्ट ने एक डाउनवर्ड गैप भी बनाया था, अब तक वो भी प्रॉपरली फिल नहीं हुआ है। तो जब तक निफ्टी सपोर्ट की क्लोजिंग 6305 के ऊपर नहीं आएगी, मैं ये नहीं मानूंगा कि ये डाउनवर्ड करेक्शन खत्म हो गया है, और मैं ये मानूंगा कि ये करेक्शन अभी चालू रहेगा। जहां तक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात है, मैं अभी तक निफ्टी सपोर्ट ने लास्ट किसी भी दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, इस समय लास्ट दिन के हाई के ऊपर चल रहा है, तो मैं कंडीशनल शॉर्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। निफ्टी सपोर्ट जब भी 6265 के नीचे आज क्लोजिंग होने से पहले ट्रेड करता है तो निफ्टी सपोर्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट जो डीपर करेक्शन का बनेगा 6190 और 6170 बनेगा। स्टॉप लॉस फिर उस समय 6305 का डेली क्लोजिंग बेसिस का लगा के रखें। तो आप ये कह रहे हैं पुनीत कि 6265 कैश लेवल पर निफ्टी टूटे उसके बाद ही शॉर्ट पोजिशन बनानी चाहिए, अभी नहीं? हाँ जी बिल्कुल सर, क्योंकि कल का हाई के नीचे जब ट्रेड करना शुरू करेगा तो यहाँ से ये कंफर्मेशन आएगा कि अभी जो कल के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया है वो फॉल सिग्नल था। राइट, तो एक कंडीशनल शॉर्ट यहाँ पर पुनीत की तरफ से एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर वो ये कह रहे कि 6265 यानी कि यहाँ से 20 पॉइंट निफ्टी और करेक्ट हो, वो लेवल टूटे तो शॉर्ट पोजीशन बनाइए और तब आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 6305 का। नीचे की तरफ 6170 के आसपास के लेवल्स मिलेंगे जहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन कवर करने का मौका मिलेगा। तो एकमात्र एक्सपर्ट पुनीत ऐसे हैं जो शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दे रहे हैं, बशर्ते कि 6265 ये लेवल निफ्टी कैश पर आज इंट्राडे के दौरान टूटे तभी शॉर्ट करें, अभी नहीं। चलिए, तो ये राय हुई शॉर्ट साइड पर, लेकिन बाकी चार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेजी करिए और आप उनकी राय के मुताबिक तेजी करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस का लेवल एक ही बन रहा है 6220 से लेकर 6200, ये 20 पॉइंट की रेंज ऐसी है जो काफी बड़ा सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदे निफ्टी को। पहला टारगेट 6300 का बनता है जो लगभग हासिल होने वाला है, 6300 के ऊपर निकले तो 6625-6650 तक के टारगेट्स बनेंगे निफ्टी पर आज या अगले एक दो सेशन में, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ये राय हमारे बाकी चार एक्सपर्ट्स की साफ तौर पर खरीदारी की तरफ, और वैसा ही रुझान बाजार में दिख भी रहा है। मजबूत 225 अंकों पर सेंसेक्स और निफ्टी पर 70 अंकों की तेजी, 1% का उछाल। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी से जानेंगे निफ्टी के बाहर कहां है कमाई के मौके, वो कौन से हैं स्टॉक्स जो दे सकते हैं वायदा कारोबार में निफ्टी से बेहतर रिटर्न, उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स इस ब्रेक के बाद।